खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां जनसुराज पदयात्रा के 74वें दिन प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नेताओं के मन से हार का डर खत्म हो चुका है, इसलिए विकास नहीं हो रहा। वहीं जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। बता दें कि प्रशांत किशोर अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 800 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इस दौरान जमीन पर हुए अनुभवों और समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी और लोगों की समस्याओं को सुन समझ कर उसका संकलन भी किया है। रो के चाहे हंस के, खिसिया के चाहे गरिया के, भोटवा तो हमारे के दी हो जयंग का है। तो बिहार की जनता को इन लोगों ने बंधुआ मजदूर बना दिया है और बच्चों को फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। बिहार में हमने के मोटरसाइकिल टीवी फ्रिज नहीं खींचा बना गो, देखी मोटरसाइकिल चलता रोड पर, मोटरसाइकिल कहाँ बनता, ये बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। मैं घर में टीवी देखता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, हाथ में मोबाइल ले ले बानी, ये कहाँ सब बनता, ये बनता नोएडा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। घर देखिए इधर सीमेंट के सब लौकता, ईटा के घर में सीमेंट कहाँ से आवता, छड़ कहाँ से आवता, ये सब बनता झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। बस पर बैठता नहीं रहुआ, गाड़ी पर चढ़ता नहीं, सब कहाँ बनता, ये बनता गुजरात में, तमिलनाडु में। तो बिहार में कहाँ बनता रे भाई। खबर बगहा से है, जहां चेक पोस्ट के समीप तीन अपराधियों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट लिया। बता दें कि अपराधी कार पर सवार थे। बताते चले कि जैसे ही नकाबपोश अपराधियों के पास ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर पहुंचा, तो वहां 6 की संख्या में मौजूद अपराधियों ने उसे नीचे उतार उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मारवर के गाड़ी लेकर भाग गया सर। कहाँ से? मुल्ला चौक से, मुल्ला गांव से 10 कदम आगे। अच्छा, कितना लोग रहे? 6 आदमी। 6 आदमी रहे। सीधे आई रहू रहे से चाबी मंगल, चाबी मंगल एक झापड़ मार के गाड़ी पर से उतार दे रहे सर। रखे शंकर और बंजरिया के बीच में एक ट्रैक्टर मंजूर मियां का ट्रैक्टर शुगर मिल से गन्ना लोड करके जा रहा था। लगभग 11:45 बजे के आसपास जैसा उसने आवेदन दिया है कि एक फिजला रंग की मारुति वाहन बाद 3-4 अपराध कर्मी गाड़ी को रोक करके और उसको गाड़ी से उतार के घटना के खेत लेकर चले गए और एक 2 अपराध कर्मी उसकी गाड़ी वहीं से बैक करके कहीं देखने के भाग गए। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है मंजूर मियाँ के बयान के आधार पर, जांच चल रहा है। हथियार का भी जिक्र किया गया, हथियार का भी जिक्र किया गया है, लेकिन पूरे मामला जो है अभी तक के जांच में कुछ संदिग्ध लग रहा है, जांच की कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्दी हम छापेमारी छापेमारी की है और वैज्ञानिक तरीके से गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बिजली बिल गड़बड़ी होने के कारण बार बार ऑफिस में जेई के द्वारा आवेदन फॉरवर्डिंग करने के बाद सहायक विद्युत अभियंता के टेबल पर आज तक पेपर फंसा हुआ है। उपभोक्ता को ऑफिस से डांट फटकार कर निकाल दिया जाता है। बता दें कि उसने पदाधिकारी व जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन वहां भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिजली विभाग के वरीय अधिकारी कुंभकर्णीय नींद से कब जागेंगे, आखिर कब तक बीपीएल परिवार को न्याय मिल पाएगा। सर, समस्या है कि 2014 से मेरा बिजली बिल गड़बड़ी है, डायरेक्ट 2900 से लगभग 29,000 आ गया। मेरे पास विसल के समय का बिजली बिल का जो एविडियंस है, फिर भी जनता दरबार में गए, डीएम सर के पास गए, बिहार लोक शिकायत निवारण जो ऑफिस है उसका बनाया गया था, और अनुमंडल में गए और जिला लोक शिकायत में गए, डीएम सर से सुनवाई भी हुआ, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का हमें सुनवाई से काम का निष्पादन नहीं हो पाया और मेरा बिल पूर्णतः गलत है। लगभग कितने दिनों से आप बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं? लगभग 8 साल 2014 से अभी तक लगा रहे हैं चक्कर, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पंचायती राज व्यवस्था में लगातार नए नए कानून लागू होने को लेकर मुखिया संघ पूर्वी चंपारण के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने की है, जिसमें सरकार द्वारा लागू किए गए नए नए नियम मनरेगा MMS का विरोध किया गया है। आज जो जिला मुखिया संघ की बैठक मोतिहारी में हो रही है, कई मुद्दों पर हम लोगों ने आज सभी प्रखंड अध्यक्ष जी के साथ बैठे हुए हैं। सरकार की जो अड़ियल रवैया है, सरकार एक तरफ कहती है कि ग्राम सभा में जो भी योजनाएं लाई जाएगी उसे ही क्रियान्वित की जाएगी, और दूसरे तरफ सरकार जो है आम सभा में मतलब जो है टांग अड़ा रही है। सरकार का कहना है कि आप ग्राम सभा भी करिए और टाइड एंड टाइड को लाइए। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत को जब पूर्ण अधिकार है कि जो योजनाएं ग्राम सभा से पारित होगी उसे क्रियान्वित की जाएगी, तो सरकार उसमें टाइड एंड टाइड लगाकर टांग क्यों अड़ा रही है। मैं उस पंचायत से आता हूँ नेपाल के बॉर्डर पर, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेरे पंचायत तो छोड़ दीजिए, मेरे बगल में पूर्वी पंचायत है, बिजबनी पूर्वी, वहाँ पे MMS नहीं होने के कारण वहाँ के वर्तमान मुखिया नेपाली सिम, वहाँ के वर्तमान मुखिया नेपाल से सिम खरीद कर उसमें नेट पैक भरा कर नेपाली सिम से MMS करते हैं, जबकि इस तरह के पूरे जिला में कहीं भी मामला नहीं होगा। यह सरकार को इस पर सोचना चाहिए। खबर हापुड़ से है, जहां थाना नगर पुलिस व जनपदीय SOG टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले दो अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उनके पास से 3 अवैध पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। वहीं बताते चले कि आरोपी अवैध शस्त्रों को डिमांड मिलने पर अपराधी किस्म के लोगों को सप्लाई करता था। थाना हापुड़ नगर तथा SOG ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 अभियुक्त महाराष्ट्र से संबंधित हैं, पुणे के रहने वाले हैं। ये उत्तराखंड घूमने के लिए आते थे और यहाँ एक सप्लायरों का नाम बताए हैं इन्होंने, जिसमें हमारी बेचना भी प्रचलित है। उनसे ये दोनों शस्त्र खरीदते थे और शस्त्र ले जाकर महाराष्ट्र में बेचते थे। इनसे 3 32 बोर की पिस्टल्स बरामद हुई हैं, जो लगभग 40,000 की कीमत पर यहाँ वो खरीदते थे और महाराष्ट्र में ले जाकर 80,000 और 1,00,000 की कीमत में बेचते थे। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने पठान फिल्म का विरोध किया है। इस दौरान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि पठान फिल्म में भगवा कपड़े पहनकर सनातन धर्म को कमजोर किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के आदेश अनुसार पूरे देश में पठान फिल्म का हिंदू महासभा विरोध करेगी और सनातन धर्म के विरोधियों को आग्रह करती है कि ऐसी फिल्में न बनाए जिससे कि समाज में बुरा असर पड़ता है। वहीं जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने कहा है कि पठान फिल्म सनातन धर्म विरोधी है, हिंदू महासभा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। शाहरुख खान की आने वाली पठान फिल्म में भगवा कलर पहनकर जो बिकनी में अर्ध नग्न डांस हुआ है, दीपिका पादुकोण ने किया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदू महासभा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। शाहरुख खान पहले भी सनातन धर्म के विरोध में बहुत कुछ कर चुका है, इसमें भी कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, क्योंकि सनातन धर्म के विरोध में बहुत लोग साजिश कर रहे हैं। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राशि बोस चौधरी ने सभी 735 जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि जिस जिले में यह फिल्म चले इस फिल्म का पूरा विरोध करेंगे। जब तक इस फिल्म में से ये भगवा कलर की बिकनी डांस नहीं हटेगा, तब तक हिंदू महासभा इस फिल्म को नहीं चलने देगी, क्योंकि ये कलर साधु संतों का कलर है। भगवा कलर अंग बस सिलवाने के लिए नहीं है, भगवा कलर सनातन धर्म की पहचान है और हिंदू महासभा इस पठान फिल्म का विरोध करता है, कड़े शब्दों में निंदा करता है। खबर मैनपुरी से है, जहां यूपी की योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भूमाफिया अभियान चला रही है। बता दें कि मैनपुरी निवासी महिला ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए एक युवक पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया है। उक्त जमीन पर निर्माण कार्य न होने के लिए हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने JCB से प्लॉट में जबरन नींव खुदवा कर कब्जा करने पर अड़े हुए हैं। पूरा मामला जनपद मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र का है। सब एक हमारा नंबर है 588 नगरिया के पास मेन रोड, उस पर मतलब यादव लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, यादव लोग कौन कौन ऐसे यादव लोग हैं, क्या नाम है इसमें?
कोमल यादव पुत्र रविंद्र सिंह यादव, रविंद्र सिंह यादव पुत्र ब्रजपाल सिंह यादव और उनका पूरा परिवार। पूरा परिवार क्या दबंग है? हाँ दबंग है साहब, यादव कोर्ट में भी मामला चल रहा है आपका। हाँ साहब कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी स्टे है और यहाँ सिविल कोर्ट से भी कटे। फिर भी कब्जा कर रहे हैं? फिर भी कब्जा कर रहे हैं। बहराइच के विकास भवन सभागार में डीएम वाईएसपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने सभी सेवानिर्मित अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों के क्रम में जनपद बहराइच में पेंशनर दिवस के रूप में आज यहाँ जनपद बहराइच के जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब यहाँ आज हम लोगों के निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर चेतराम सिंह जी हैं, जो 34 वर्ष पूर्व रिटायर्ड हुए थे, वर्तमान में आपकी आयु 92 वर्ष है। और ऐसे तमाम इस आयु वर्ग के यहाँ विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा और CDO साहब द्वारा, सम्मानित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने उन अग्रज पीढ़ी के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान किया गया है, जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की है और अपनी सेवाओं से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया है। खबर नरगढ़ियागंज से है, जहां प्रखंड के बरवा बरौली पंचायत के खजुरिया गांव में देर रात एक घर में आग लग गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने नजदीकी थाने को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आगजनी में घर में रखा कपड़ा, बर्तन, अनाज समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उस समय मैं सोया था घर में, जब बकरी चिल्लाने लगी तो मैं दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा आग लग गया है। आग लग गया है तो उसमें चिल्लाया ज्यादा जोर से, तो कुछ लोग आया तो पानी डाला, कुछ डालते डालते तो जल गया। बाद में ये क्या बोलता है मशीन आया तो जलने के बाद वो आया तो बुताया, उसमें एक गाय, दो बकरा, एक मोटरसाइकिल और जो है चावल गेहूँ, मोटरसाइकिल एकदम नया था, साल भर का कसाया हुआ था, ये सब जल गया। खबर झांसी से है, जहां देश के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर भाजपाइयों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर झांसी के इलाइट चौराहे पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो कल इतनी घिनौनी टिप्पणी करी है, हमारे प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय नेता है पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के लिए, और ये वही पाकिस्तान है जिसने 127 संयुक्त राष्ट्र के टेररिस्टों को पनाह दे रखी है, ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया का नंबर एक देश है टेररिस्टों को बचाने के लिए, किसी भी एक मुल्क में 127 टेररिस्ट चिन्हित नहीं करे UN ने, ये वही देश है जिसमें 27 संस्थाने हैं जिन लोगों को पनाह दे रखी है जो पूरी तरीके से टेररिस्ट में लुप्त हैं। और मोदी जी का सबको मालूम है कि वो आतंकवादियों के दुश्मन है, और उनका क्या नाम दे सकते हैं वो इसके अलावा, उन्हें पता है मोदी जी के अलावा कोई नहीं है जिस आतंकवादियों से जो लड़ रहे हैं वो, और आतंकवादियों के दुश्मन है वो, इसलिए पाकिस्तान क्या नाम देगा, यही नाम दे सकता है और क्या देगा। अरे उनका कसाई नाम से उन्हें संबोधित किया गया है जो शब्द, और आतंकवादी जो पाल रहा है वो क्या नाम देगा, यही नाम दे सकता है वो और कुछ नहीं कह सकता।